राजनीति में अपनी सहज, सरल और सौम्य छवि वाले एक अलग व्यक्तित्व वाले धनी श्री रामपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामपाल सिंह जी का 4 जनवरी को जन्मदिन भी है, लेकिन इस दौरान उनकी एक लंबी यात्रा रही है। रामपाल सिंह जी से हम खुद जानेंगे कि इस पूरी यात्रा के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। रामपाल जी, सबसे पहले तो इंडिया फर्स्ट की तरफ से आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको भी बधाई, शुभकामनाएं। सर, 1980-81 में आपने छात्र राजनीति से शुरुआत की, तब से लेकर अब तक का सफर आप कैसे देखते हैं? बचपन से ही ग्राम पंचायत से लेकर मैं पंच भी रहा, छात्र राजनीति में भी रहा, किसानों के लिए भी काम किया, गरीबों के लिए भी काम किया, सबके कल्याण और सेवा भाव से, सेवा भाव का भाव मन में रहा। जो जो जवाबदारी मिली ग्राम पंचायत से, छात्र संघ, छात्र राजनीति में भी आए तो छात्रों के हित में संघर्ष किए, जनता के हित में भी हमने कई संघर्ष आंदोलन किए, सड़क, बिजली, पानी के लिए। मन में सिर्फ यही भाव है कि क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का, देश का विकास, सबका कल्याण हो। बस ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका बहुत ही लंबा ये जो कार्यकाल अभी तक रहा है, क्या कुछ ऐसा कभी अवसर आया जब आपका मन किया कि भाई अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अब राजनीति नहीं करूँगा? कई बार प्रसंग ऐसे आते हैं कि अच्छे काम करने वालों पर भी कहीं भी आजकल झूठे आरोप भी लगाने में नहीं चूकते, लेकिन हमारा राजनीति में हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं, कहीं हमारे विरोधी मित्र लोग भी अपनी वाणी पर कई बार संयम नहीं रखते, कहीं भी जरूर आरोप लगाते हैं। वहाँ जाके ये कठिनाई होती कि हम तो ईमानदारी लगन से जनता की दिन रात सेवा कर रहे हैं, और इस तरह जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया, ऐसे लोग जिन्होंने सड़कें नहीं बनवाई, बिजली नहीं दी जनता को, जनता को सस्ता अनाज नहीं दिया, मकान नहीं दिया, उजला योजना नहीं दी, इलाज नहीं कराया, छात्रों को किताबें नहीं दी, तो ऐसे लोग टीका टिप्पणी करते हैं, वो उचित नहीं है। राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, कई ऐसे अवसर भी आते हैं, क्या कोई ऐसा अवसर आपको लगता है कि अगर वो आपको मिलता तो शायद आप और बेहतर और आगे मकाम हासिल कर पाते, या आप अभी मौजूदा अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं? राजनीति में सेवा भाव से काम करने आए हैं, बगैर पद के भी 5 वर्ष अभी गैप रहा, विधायक सांसद नहीं रहे, जब भी जनता के बीच में गए, जनता ने भी हमको उससे दुगना विश्वास और आशीर्वाद दिया, उससे और हमको प्रेरणा और ऊर्जा मिली, दिन रात मेहनत करके जनता की सेवा का काम कर रहे हैं, ईश्वर भी हमको पूरा आशीर्वाद सहयोग दे रहे हैं और ऐसी शक्ति दे रहे हैं कि हम जनता का कल्याण जो सोचते हैं कि हमको जनता की सेवा का काम करना है, कहीं सड़क बनाना है, सिंचाई योजना बनाना है, स्कूल बनाना है, जनता के हित में और कोई निर्णय लेना है, तो इस बार ऐसी शक्ति दे रहे हैं। आप बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभी मंत्रियों से अपेक्षा रहती है, लेकिन जब आप एक करीबी मंत्री हैं, आपका मित्रवत व्यवहार भी रहा है उनसे, तब कितनी अपेक्षाएं मुख्यमंत्री जी की बढ़ जाती हैं और ऐसी अपेक्षाओं को आप किस तरह से निर्वहन करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सेवा भाव है, बड़ी पदयात्रा की, बहुत संघर्ष किया है। जब सांसद के रूप में हम जाते थे तो हम लोग तो पैदल चलते थे उनके साथ, पूरे 8 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा, गरीबों के कल्याण के लिए वो पहले कहते थे मकान बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, बेटी का विवाह करवाएंगे, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने जो कहा उनने पूरा करके दिया, जनता के हित में मध्य प्रदेश में अद्भुत काम किए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र से आप लगातार जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जा रहे हैं, आपका जन्मदिन भी है, अगला लक्ष्य क्या होगा राजनीतिक जीवन में भी और अपने क्षेत्र को लेकर भी? लक्ष्य, मूल लक्ष्य हमारा है क्षेत्र, प्रदेश और देश का विकास, जनता की सेवा करना, उसी लक्ष्य को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, नर्मदा मैया को जाते हैं, उनके चरण शरण में जाते हैं, उनसे प्रेरणा लेके वही हमको मार्गदर्शन करें, वही और आशीर्वाद दें ताकि हम सबका कल्याण कर सकें, इसी सेवा भाव से हम लोग काम कर रहे हैं। सेवा भाव के साथ आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आई है, एक ऐसा गीत आपसे जानना चाहेंगे जो आप लगातार गुनगुनाते रहते हैं। मुस्कुराहट के साथ ही जो है रामपाल जी थोड़े मुस्कुरा दिए हैं और देख सकते हैं काफी व्यस्तता के बावजूद भी काफी समय दिया रामपाल सिंह जी ने, तो एक बार जन्मदिन की फिर से शुभकामनाएं। कल सुनाएंगे गीत, इनकी उन्होंने वादा किया है। कैमरामैन सुजीत लांजेवार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। Subscribe our YouTube channel and all notifications on your mail. Press the bell icon on YouTube app.
and never miss any update.